यमुनानगर के गांव दुधाला में एक युवक के 4 दिन से लापता होने के बाद उसका शव नहर से मिलने के बाद इलाके में मातम का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक शोएब एक दूध की डेयरी पर काम करता था और पिछले 4 दिन से लापता था। मामले में मृतक शोएब के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और डेयरी मालिक और उसके कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर डेयरी मालिक ने कहा कि उसे लगा था कि वो किसी और की डेयरी पर चला गया है, लेकिन जब उसे शोएब का फोन दुकान पर ही पड़ा मिला तो उसने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। एक लड़का जो है ना यहाँ पर डेयरी में काम कर रहा था, उनकी कुछ क्या बात हुई क्या नहीं हुई, 28 तारीख में वो गुम हो गया। वो जो है ना उसका पता खबर कुछ नहीं। 28 तारीख के बाद में इन्होंने जिसके पास वो रह रहे था उसके पास 2 लड़के हो रहे हैं, उसी के परिवार के हैं, वो उनके साथ कहीं गया या नहीं गया हमने नहीं पता जी। 4 दिन के बाद उसका जो है ना पता लगा कि डेयरी वाले ने थाने में एप्लीकेशन दे दी, तहरीर दे दी कि हमारे यहाँ से फला फला नाम का लड़का फला गांव का वो जो है ना 40,000 रुपये लेकर फरार हो गया। उसका फ़ोन भी वहीं, उसका सब कुछ वहीं। वो डेयरी वाले ने ना उनके घर वालों से कॉन्टैक्ट करा, ना किसी से कोई बात पूछी, ना कोई बात। उसका जो है ना सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि जो है ना हमारे यहाँ से तहरीर दे दी थाने में कि मैंने यहाँ से पैसे लेकर फरार हो गया। हालांकि वो लड़का डेयरी वाले की साजिश है, डेयरी वाले के ही में लड़के हैं, उन्होंने उस लड़के को ले जाकर नहर पर उसका धकेला दिया गया, उसका मर्डर कराया गया। एक चप्पल उसकी नहर की पटड़ी पर मिली, एक मिली उसकी अंदर नहर में बॉडी 4 दिन के बाद अब उसकी बॉडी मिली। ये मेरी डेयरी पर काम करता था जी, शाम को डेली घूमने जाते थे, मान लें छोकरों के लोग घूमते रहा, और भी नौकर एक और मेरे साथ में जी, वहाँ फ़ोन मिला जी। फोन मिलने के बाद अपना ये ढूंढा चले, फिर रिपोर्ट गुम की रिपोर्ट लगा दी। कोई एलिगेशन भी लगाया था कि पैसे गुम हो गए हैं या चोरी? वो ऐसे नहीं लगाया था जी, वो ऐसे बोल रहा था जी। मैंने उसको के पुलिस वाले ने मेरे से पूछा, सचो साहब ने बोले कैसे गया, मगर जी पता नहीं तो किसी के पास लग गया जी। मैंने 40,000 रुपये लेने, 50,000 का मोबाइल एप्पल का मैंने उससे किस्तों पर दबा रखा जी, 2 किस्तें गई हुई हैं जी, बस ये बोल रहा जी मैंने वहाँ लगवाया जी। आरोप लगा रहे कि आपके उस लड़कों ने धक्का दिया नहर में, बस वो तो पुलिस कार्रवाई पा, मैंने तो कुछ पता नहीं इसके बारे में जी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि डेयरी के सभी कर्मचारी नहर पर नहाने के लिए गए थे और शोएब पानी में बहकर डूब गया। 30 तारीख को सूचना मिली, एक लड़का और 3 बच्चे थे, गए थे घर से गए हैं, तो हमारे को कल सूचना, हमने 30 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर दिया था और कल डेड बॉडी मिली रादौर नहर से और आज पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई कर रहे हैं, रिजल्ट आने पर जैसे कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है, ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।